नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिला बरेली के नवाबगंज में एंटी करप्शन टीम ने नवाबगंज नगर के हल्का लेखपाल जैनेन्द्र सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा लिया। लेखपाल के विरुद्ध नवाबगंज थाने में एंटी करप्शन टीम के प्रभारी पूजा शर्मा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी लेखपाल को कल न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन टीम के इंचार्ज पूजा शर्मा ने बताया कि आरोपी लेखपाल द्वारा नवाबगंज तहसील के गाँव बिजामऊ निवासी वीरेंद्र सिंह से 10,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी सूचना वीरेंद्र सिंह द्वारा एंटी करप्शन टीम को दी गई थी। आज शुक्रवार को रिश्वतखोर लेखपाल को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम ने तहसील में पहुंचकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। दोपहर 3 बजे के समय लेखपाल अपने चैंबर में बैठा हुआ था। इसी दौरान वीरेंद्र सिंह 10,000 के रिश्वत लेकर लेखपाल के पास पहुंचे। लेखपाल ने जैसे ही रिश्वत की रकम लेकर अपनी जेब में रखी, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया और बाद में उसे नवाबगंज कोतवाली ले आई। घंटों तक चली कार्यवाही के बाद इंस्पेक्टर पूजा शर्मा द्वारा रिश्वतखोर लेखपाल जैनेन्द्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मौके पर टीम में टीम इंचार्ज पूजा शर्मा के साथ इंस्पेक्टर कुशलवीर सिंह, एससी विजय कुमार, एसपी राकेश सिंह और एसीपी पदम सिंह शामिल रहे। गौरतलब हो, आरोपी लेखपाल नगर में लंबे समय से लेखपाल के पद पर तैनात था। लेखपाल के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर नगर में पूरे दिन तरह तरह की चर्चाएं रही। मेरी जमीन आखूपुर में है, जो पड़ोसी मेड़ के कारण विवाद है, वो उसमें प्लाटिंग कर रहा है, मेरी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। जो खनन जो अनर्थाय करा के और उसमें पठान कर रहा है, उसकी भी शिकायत मैं कर चुका हूँ, उसकी एफआईआर हो चुकी है। और ये हमने तहसीलदार साहब को शिकायत करी थी, एप्लीकेशन दी थी, तहसीलदार साहब ने मार करके लेखपाल साहब को दिए थे। लेखपाल साहब ने वहां मौके पहुंचे, नाप के आए, चेक करके आए, उसके बाद चेक करने के बाद माने के आदमी बोले भाई साहब नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होगा, हमें कुछ समझो। तो हमने भाई क्या दे दें भैया, बताओ क्या दे दें तुम्हें। तो हमने 1,000 रुपया ले लियो। बोले नहीं भाई साहब, 1,000 नहीं भाई साहब, ऊपर तक देने पड़ेंगे हमें। इन्हें मांगे उसे 50,000 रुपये। मैंने भाई 50,000 रुपये कहाँ से दूंगा मैं, मेरे पास कहाँ तक के पैसे, खेत का मेड़ का तो मैटर को मैटर बड़ा है नहीं। बोले नहीं नहीं समझते थे, 10,000 रुपये उन्हें सौदा मेरा हुआ है इसे। मैं भाई रिश्वत ना लेता हूँ ना देना चाहता हूँ, रिश्वत दे के काम नहीं कराना चाहता हूँ। आज का पूरा मामला ये था। हमने शिकायत करी थी, शिकायत करने के बाद एंटी के पास गए थे, वहाँ शिकायत करी, वहाँ उन्होंने बुलाया, मुझे बुला के मेरे पैसे वगैरह सब टेस्ट वगैरह करे, पाउडर वगैरह लगाया गया। अब मुझे मेरे साथ टीम आई, टीम आने पर मैं उनके पास गया, उनसे पैसे दिए उन्हें, वो तो पैसे लेने के लिए तैयार बैठे हुए थे, पैसे उन्हें दिए, पैसे 10,000 रुपये दिए उन्हें, तैसी एंटी करप्शन पकड़ लिया। कितने बजे सूचना तो आपने दी? टीम को सूचना मैंने दी, मैंने बाका था लिखित में दी। आज क्या बजे की घटना है? ये है करीब 3 बजे की घटना, 3:30 बजे। जमीन आपके नाम है? जमीन मेरे नाम है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।